गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में तो ये दिन, दिन है बृहस्पतिवार का तारीख है उनतीस फरवरी सुबह का ये टाइम है और बहुत काफ़ी टाइम पहले हम जो लोग हम जो है उठ गए थे लेकिन वो होता है ना कई बार उठने के बाद काम करने का मन नहीं करता है तो और सच बताऊँ तो आज उठने का मन भी नहीं कर रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा तो काम नहीं चलेगा थोड़ी देर बाहर घूमती हूँ और उसके बाद जो है बाकी के अपना जो है बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह और जो है लंच मुझे जो है वो बनाना है क्योंकि आज ऐसा कोई वो भी नहीं था कि मैं बच्चों की जो वो छुट्टी करा सकूं क्योंकि जो है कल से एग्ज़ाम भी जो है वो शुरू हैं तो मैं कहा नहीं उठना तो है ही क्योंकि कई बार आलस होता है ना तो मन नहीं करता है आलस कभी कभी मुझे भी जब होता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, होता है जब फिर मन में, में ये आया कि नहीं देखो उठ के काम तो करना ही है अभी नहीं छह बजे नहीं लगूंगी साढ़े पाँच बजे नहीं लगूंगी तो आठ बजे लगूंगी लेकिन काम तो करना पड़ेगा नाश्ता भी बनाना पड़ेगा लंच भी बनाना पड़ेगा काम सारे के, सारे के जो है वो करने ही पड़ेंगे तो फिर मैंने सोचा उठ के जो है वो लग जाती हूँ आलस को छोड़ देती हूँ और अपना फटाफट से काम करती हूँ साथ में मैंने जो है मतलब उठ तो मैं अपने वही साढ़े पाँच बजे गई थी फिर जो है मैंने वरुण को उठाया साढ़े सवा छः बजे उसको पानी वानी दिया मैंने भी एक गिलास पानी पिया थोड़ी तो देर बाहर घूमी तो बाहर की ठंडी ठंडी जो मीठी मीठी हवा जो मुँह पर लगती है ना ठंडी ठंडा जो मौसम है तो उससे ना थोड़ी सी एनर्जी जो है वो फिर मेरे अंदर जो है आ गई और यहाँ पर जब मैंने बनाई है पेठे की सब्ज़ी खट्टा मीठा पेठा जो है वो मैंने बनाया और उसमें थोड़ा सा गुड़ मैंने डाला है गुड़ डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है कभी ट्राई करना मतलब पेठे की सब्ज़ी को उबाल कर बनाओ और बाद में जब तड़का लगाओ तो उसमें हल्का फुल्का जो है वो गुड़ ऐड कर देना तो बहुत टेस्ट जो है वो इसमें जो है वो आ जाएगा और इसी बीच में साथ साथ में मैंने दूसरे पतीले में पानी गर्म कर लिया था क्योंकि बच्चों को अभी भी मैं हल्का गुनगुना पानी देती हूँ क्योंकि जो है ये जाती हुई सर्दी है और जाती सर्दी में अभी आप डायरेक्ट आर का पानी दोगे ना तो इसमें जो है फिर तबीयत खराब हो सकती है बच्चों की क्योंकि बच्चे खेलते हैं और सुबह कुछ जैकेट वगैरह या ब्लेजर पहन के जाते हैं कोट पहन के जाते हैं और वापस आते हैं तो उनको हवा में ऐसे घुमाते हुए लाते मतलब उनको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है तो कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी उसमें ना गड़बड़ ना हो जाए तो मैं भर के देती हूँ और ये है वरुण का आज का लंच अंगूर है पेठे की सब्जी है दो रोटी है और एक ये चौकोपाई जो है वो मैंने इसमें दे दिया और हिमांक को भी रेडी कर दिया उसका लंच रेडी कर रही हूँ और उसमें मैं देने वाली हूँ हिमाग तो ना फ्रूट ले जाना पसंद ही नहीं करता बस ये जो आप मखाने देख रहे हो ना उनको ये बोलता है पॉपकॉर्न तो ये वही मखाने ले जाना जो है वो पसंद करता है उसके अलावा मतलब फ्रूट में उसको आजकल पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है तो पपीता दे रही हूँ मैं इसको आज खत्म हो गया था तो मतलब ऐसे कर रहा था कि नहीं मेरे को तो वही चाहिए नहीं तो फिर आप मेरे को ये पॉपकॉर्न दो तो अभी जो जो है है मैं मैं जब भी इसको मैं क्या करती कि इस जो है, पहले से ही हल्के फुल्के फ्राई मतलब थोड़ा रोस्ट करके नहीं रखती हूँ जब मुझे देना होता उसी टाइम जो है मैं रोस्ट करती हूँ अभी मैं ना सोच रही हूँ कि एक दिन मैं एक डिब्बा भर के रोस्ट करके रख दूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे फिर जो है इसका भी टाइम जो है वो मेरा बच जाए तो यहाँ पर जो है काम मेरा हो गया ख़त्म नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया और सुबह में नाश्ता नहाने से पहले जो है उस टाइम करती हूँ जब के पापा को जो वो जो है वो जो जोत बत्ती वो करते हैं ना तो मैं नाश्ता पहले कर लेती हूँ क्योंकि दवाइयाँ वगैरह आजकल चल रही हैं तो उसमें क्या रहता है फिर कलेजी में है ना इतनी जलन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा और अगर ये मुझे ये रहता है कि जिस दिन मुझे दिया बाती करनी है तो उस दिन मैं क्या करती हूँ बच्चों के जाते ही तुरंत मैं सबसे पहले नहाती हूँ दिया बाती करती हूँ फिर उसके बाद जो है साथ में अपना जो है खाना वगैरह खा लेती हूँ तो उम्र के हिसाब से ना धीरे धीरे एज बढ़ती है एक एक साल जो है वो कटता जाता है तो उसके हिसाब से ना फिर इंसान को अपनी हैबिट्स भी जो है वो चेंज करनी चाहिए क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि मैं जो है घर का सारा काम खत्म वतम करके नहा धो के पूजा पाठ करके तब जो है वो खाना खा खाती थी दोपहर तो के बारह ही बज जाते थे तो उसमें ना तो वो लंच रहता था ना वो मतलब ब्रेकफास्ट रहता था एक ब्रंच वाला काम जो है वो करता था फिर थोड़े दिन के बाद जब हम बीमार पड़ते हैं ना एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो है वो महसूस होती है क्योंकि क्या होता है ना जवानी के जोश जोश में तो नहीं अभी तो नहीं है ये नहीं है अभी वो नहीं है और मतलब ऐसा ही जो है भूख नहीं है अभी नहीं है महसूस हो रही उस चक्कर में हम जो है लेट खाना खाते हैं और फिर गड़बड़ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है यहाँ पर रेडी हो गया है घी और साथ में मैंने आज मलाई जमा कर दी है ये ना घी तीन चार दिन से बना हुआ रखा था लेकिन फ्रिज में रखा और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा टाइम मिल रहे तो दिमाग से निकल जाए कि मुझे फ्रिज में से वो घी गरम करके डालना है तो बस ऐसा ही जो है वो चल रहा था और मेरा सारा काम खत्म हो गया बस मेरा रहता अभी सिर्फ पोचा लगाना वो भी मैं कर लेती लेकिन नीचे जो है वो हेल्पर आई थी वो क्या कर रही है ये ये लोग क्या करते हैं मतलब मैं कभी कभी लगाती तो हूँ लेकिन मेरा दिमाग खराब हो जाता है फिर जिस दिन ये लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर पिछले तीन दिन से ना मैं उसको देख रही हूँ कि नीचे पोछा लगा के जब वो चली जाती है और जिनने मैं पिछले तीन दिन से पोछा ही नहीं लगा रही है तो आज मैंने उसको टोका मैं बोली कि नहीं कल नहीं लगाया परसों नहीं लगाया मैं कहा उससे पहले दिन भी नहीं लगाया तो और मतलब अगर उनके सामने से अगर मैं मतलब खड़ी रहूँ उनके पास तो ढंग से लगाते हैं नहीं तो फिर क्या है कोने छोड़ देंगे सामने सामने से लगा देंगे कोनों में मतलब खुद मैंने दो तीन बार कह कह के जब वो लगवाया तो मतलब समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ ज़रूरत होती है तब मैं लगाती भी हूँ और बीच में छोड़ भी देती हूँ कि एक दो महीना मैं खुद भी कर लेती हूँ और फिर मुझे ये लगता है कि नहीं मुझे नीड है तो मैं हटा भी मतलब लगा भी लेती हूँ नीड नहीं होती तो मैं हटा भी देती हूँ क्योंकि ना फिर मन नहीं करता है कि फिर ये लोग जो ढंग से काम नहीं करते हैं ना फिर मन भी नहीं करता इनके काम को देखकर क्योंकि हमें फिर वही बिल्कुल कोने कोने अच्छे मतलब ढंग से करने की आदत है और फिर ये लोग जो है वो ढंग से नहीं करते तो फिर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा जो है वो आता है तो अब मजबूरी में लगाना भी पड़ता है क्या करें समझ नहीं आता है और बस अभी जो है मेरा पोचा पोचा भी लग गया है फटाफट से मैं नहाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है बाहर एक्चुअली क्या है ना कि स्कूटी यूज़ करती हूँ तो मैं चुंदड़ी जो है वो सिर पर बांधती हूँ अच्छे से अपने आप को अच्छे से रैप करती हूँ और मेरी जितनी भी चुंदड़ियाँ रखी थी वो सारी तीन चार साल पुरानी थी और वो सारी की सारी फट गई हैं इस मौसम में इस बार तो मैंने रखी हुई थी लेकिन मैंने अभी इसको निकाल के देखा ना ना उनको बांधने के लिए क्योंकि अभी ना सुबह साढ़े दस ग्यारह बजे तक इतनी तेज धूप हो जाती है सहन नहीं होती है बिल्कुल भी तो मैंने जब उन चुंदड़ियों को देखा ना तो वो एकदम फट गई थी बुरी तरह से तो फिर मैंने सोचा कि सोच तो मैं पिछले पाँच छः दिन से रही हूँ कि आज जाऊँगी आज लेकर आऊँगी तो मतलब नहीं बन पा रहा था तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आज तो मैं जाके लेकर ही आती हूँ तो मैंने फटाफट से मैं नहा ही रेडी हो जाऊँगी और जाके सबसे पहले सिर्फ क्योंकि ना ज़्यादा दूर जाना भी नहीं यहीं पे गल अपने हमारी कॉलोनी से निकल के और चार पांच गली छोड़ के ही मतलब एक आंटी है उनकी हल्की एक शॉप है वहाँ से लेकर जो है वो आना है घर में ही शॉप है जरूरत का सामान मिल जाता है तो और मुझे जब वहाँ जा वहां जाकर पता चला कि गंगा ब्रांड के हमने सूट तो सुने ही थे गंगा ब्रांड की चुंदड़ी भी आती है मैंने तो सच बताऊँ पहली बार सुना है और कपड़ा उनका मुझे एक और नॉर्मल चुंदड़ी से काफ़ी अच्छा लगा इतनी मतलब होती है नहीं कॉटन वाली उससे आ, मुझे उसका कपड़ा जो है, है वो भी कॉटन की लेकिन काफ़ी अच्छा लगा नॉर्मल वाली चुंदड़ी से तो बहुत अच्छा लगा तो यहाँ पे हल्का फुल्का मैंने मेकअप कर दिया बिंदी लगाई लिपस्टिक लगाई सॉरी बिंदी नहीं लगाई आज मैंने जल्दी जल्दी में लिपस्टिक लगाया सिंदूर लगाया और अपनी वॉच पहनी अभी पहनूंगी और मैं फटाफट से क्योंकि ना स्कूटी पे जाती हूँ तो कभी ऐसा होता तो है बाय मिस्टेक बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना तो मैं शूज़ वगैरह ना पहनूं चप्पलों में ही चले जाऊँ अदरवाइज़ मैं बाहर जाती हूँ तो शूज़ वगैरह पहन के अच्छे से क्योंकि इतनी सर्दी है टैनिंग तो होती होती है और शूज़ में ग्रिप बहुत अच्छी रहती है स्कूटी चलाते ना तो कहीं रोकना पड़ जाए या कहीं और ब्रेक वगैरह जो कुछ भी होता है ना तो शूज़ की जो है वो आगे पीछे करनी हो एक्टिवा ग्रिप बहुत अच्छी रहती है नहीं तो फिर जो है क्या रहता है कि मान लो कुछ पहन के गए सैंडल वगैरह पहन के गए जुत्ती पहन के गए तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि फिर जो है वो अच्छे से रुक नहीं पाती है। पैर फिसलते हैं उससे न चोट लगने का डर जो है वो रहता है अब आ गई मैं घर वापस और आते ही मुझे लगी थी भूख क्योंकि सुबह मैंने खाना जो है वो नौ बजे के आसपास खा लिया था और अभी करीबन एक बज गया है और हस्बैंड भी जो है वो आ गए हैं तो हम बनाने वाले हैं पकोड़े एक नहीं ये करीबन जो है डेढ़ बज गया है क्योंकि वरिमांक दो बजे आएगा वरुण तो पौने तीन बजे के आसपास आएगा तो फिर हमने सोचा पकोड़े जो है वो बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा लंबे हैं सुबह का दोपहर को देखो दो लंच वगैरह करने की ज़रूरत तो पड़ती है और डेली हमाम जा क्या है हम लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट खाने का मन भी कर रहा था कि नहीं आज तो कुछ अलग ही जो है वो खाते हैं तो मैंने सोचा आज जो है वो पकोड़े बनाते हैं और हस्बैंड ने जो है वो थोड़ी सी हेल्प कर दी क्योंकि मेरी ना मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी सुबह का सारा काम वम खत्म करा नहा धो के मैं एक चुंदड़ी लेकर आई दो चुंदड़ियाँ लेकर आई दिखाऊंगी मैं आपको और फिर आते ही तुरंत जो है फिर एक फ़ोन आ गया अब दस मिनट उस फ़ोन में चले गए और फिर उसके बाद जो है अः मन मतलब खान भूख बहुत ज्यादा लगी लेकिन इच्छा इतनी नहीं हो रही थी कि मैं उठ के जो है वो बना लूँ तो हस्बैंड ने काट छाट दी और बाकी का काम जो है वो मैंने कर दिया तो मिल बाट के जो है हमने अपना लंच जो है प्रपेयर कर लिया है तो ऐसे होते हैं तो थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प जो है वो कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि सारा दिन काम में इस तरह लगी हुई है आराम जो है वो मिल नहीं रहा और बच्चे आ जाएंगे उसके बाद तो मेरे को आराम वैसे ही नहीं होता है तो बस इसीलिए और गर्मा गर्म पकौड़े आप भी खाइए और इंजॉय करिए क्योंकि और ना साथ में हरी चटनी और लाल चटनी मिक्स करके जब खाते हैं ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी जो है वो लगते हैं हरी चटनी मैं कैसे बनाती हूँ ना तो उसकी रेसिपी भी मैं क्या हस्बैंड बनाते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं तो उसकी रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही यूनिक है बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत कम उसमें भी आप जो है बहुत सारे लोगों को जो है वो सर्व कर सकते हो थोड़ी सी चटनी है लेकिन बनाएँगे ऐसे कि उसको बहुत सारे लोगों को जो है वो सर्व कर सकते हैं तो हम तो क्या करते हैं हमारी फेवरेट चटनी जो है पिछले दो तीन महीने से यही है और एक पूरा कांच का एक पूरा बाउल है पूरा कटोरा सा तो उसको भर के रखते हैं और हमारा दो दिन का काम जो है वो अच्छे से चल जाता है इतनी टेस्टी बनती है ना ये चटनी सब्जी की ज़रूरत नहीं है तो मैं अगर पच्चीस दिन बच्चों की छुट्टी हो तो मैं भाई शायद मैं सब्ज़ी बनाऊँ भी ना और ये गर्मा गर्म पकौड़े और अभी धूप थी तो जो कपड़े सूख गए थे मैं साथ साथ में अंदर ले आई थी और तोलिए वगैरह होते और ये जो बेडशीट थी धोए आज नहीं है ये कल रात को मैंने स्टो लगाया था अचानक से मुझे याद आया कि कल थर्सडे है और थर्सडे को कपड़े नहीं धोने हैं तो मैंने रात को जो है एक स्लोट लगा दिया था और सुबह फिर मैंने इनको जो है वो सुखा के अब ये सूख गई थी हिमांग भी गया है लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और अब हिमांकी क्लास का टाइम जो है वो हो गया है तो आज हस्बैंड है तो इतनी सी थोड़ी सी मेरी जो है वो हेल्प जो है वो हो जाए कि वो आज बच्चों को लेकर आएंगे छोड़ कर आएंगे मैं भी शायद फिर मैं लेने चली जाऊं दोनों बच्चों को अभी तो इनका यही है कि यही लेकर आएंगे और यही छोड़ कर आएंगे और ये हल्की फुल्की हेल्प भी ना बहुत ज्यादा हो जाती है नहीं तो मेरा तो मतलब ऐसा रहता है कि जी ना आराम हो जाता है एकदम करूँ तो क्या करूँ सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती कई बार ऐसा होता कि खाना खाने बैठूँ नहीं पहले वो काम करके आऊँ खाना तो बाद में खाऊंगी और इन काम के चक्कर में फिर मेरा खाना पीना ये सारी चीजें रह जाती हैं और फिर तबीयत खराब हो जाती है तो बस ये देखिए सब की मैंने तय बना दिया अब मैं आपको ना चुंदड़ी दिखाती हूँ कि मैं कौन सी चुंदड़ियाँ जो है वो लेकर आई हूँ ये दो चुंद चुंदड़ियाँ मैं लेकर आई दोनों की दोनों गंगा ब्रांड की हैं और दोनों का कलर कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आया है एक तो ये है और एक दूसरी है जो जिक्जैक वाली और लंबी चौड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी थी और हमी ब्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब